नमस्कार, शुरुआत की नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भरमा टिंडे कैसे बनते हैं। जी हाँ, भरमा टिंडे, टिंडे भरमा, उसके लिए क्या करना होगा आपको? आपको टिंडे लेने होंगे। टिंडे आपको बाजार में मिल जाएंगे, हरे हरे गोल गोल टिंडे होते हैं, और जितने छोटे टिंडे होंगे उतने बढ़िया होंगे। आधा किलो टिंडे ले लीजिएगा और उसको अच्छे से साफ पानी से धो के एक प्लेट में रख लीजिएगा। अब उसके लिए करना क्या है आपको? अब आपको उसका मसाला बनाना है। वो मसाला बनाने के लिए जो भरमा बनाएंगे उसमें आप एक प्याज ले, एक आप अदरक ले थोड़ा सा, आप लहसुन ले, चार पांच हरी मिर्च ले, इनको बारीक 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 काट के अलग अलग रख लीजिएगा। बहुत बारीक बारीक काटिएगा। उसके बाद आपको करना क्या है कि आपको मिर्च लेनी है, वो भी लाल जितनी आपकी सुविधा है। जीरा लीजिएगा, धनिया लीजिएगा, नमक आपके स्वाद के अनुसार। ये सारी चीजें आपने एक साथ इकट्ठी करके रख ली। अब आप टिंडे को लीजिए और एक चाकू लेके उसको ऊपर से हल्का सा काटिए और उसके अंदर से जो उसका बीज और वो सारा चीज गुदा है उसको निकाल दीजिएगा, जैसे नारियल को करते हैं, बिल्कुल करके क्लियर कीजिएगा। और अब उसके बाद आप गैस स्टोव चूल्हा जलाइएगा। जब आपने सारे टिंडे करके रख लिए खोखले करके उसके अंदर, अब आप जलाने के बाद आप गैस के ऊपर एक कढ़ाई रखिएगा और उस कढ़ाई के अंदर आप घी डालिएगा, गाय का शुद्ध घी। मैं हमेशा गाय के घी की प्रेफर करता हूं, जिसका कोई नुकसान नहीं है। वो डालिएगा आप तकरीबन 100 ग्राम। वो डालने के बाद जब वो गर्म हो जाए, उसके अंदर जो पेस्ट आपने अदरक का, प्याज का, टमाटर का, लहसुन का, जो वो टुकड़े बारीक बारीक कर रखे, उन सबको डाल के भून दीजिएगा, अच्छे से भूनने दीजिएगा उसको। और हरी मिर्च भी साथ में जो काटी है बारीक, वो सब बारीक बारीक, बहुत बारीक बारीक। अब इसको अच्छे से करने के बाद जब आपको लगे ये हो जाए, तब आप इसके अंदर इसको आराम से आंच को हल्की कीजिए और इसको निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद गैस को बंद कीजिए, चूल्हे को जो भी है, अब हल्का सा इसको ठंडा होने दीजिएगा। और फिर उस मटेरियल को चम्मच से, ठंडा होने के बाद हाथ से या चम्मच से, वो डिपेंड ऑन यू, गर्म पे नहीं, उसको लेके जो टिंडे आपने खोखले किए हैं उसके अंदर उनको भर दीजिएगा अच्छे से। भर के जब आपने अच्छे से भर दिए, जो ऊपर का छिलका आपने उतारा था उसको पैक कर दीजिएगा, राइट। ये करके रख लीजिएगा। अब आपको फिर दोबारा से, या तो उसमें वो जो घी बचा है वो बचेगा, घी 100% बचेगा, उसी घी को, जो गर्म घी है, उसके अंदर आप जीरा डालिए, उसके अंदर आप थोड़ा सा धनिया डालिए, उसमें नमक काला आपकी सुविधा के अनुसार, सफेद नमक कम इस्तेमाल करें तो बढ़िया है, काला नमक डालिए, वो डाल दीजिएगा, हल्दी डाल दीजिएगा इसके अंदर। अब ये सब डालने के बाद जब गर्म हो जाए, उन सारों को धीरे धीरे करके उसमें छोड़ दीजिएगा और हल्का हल्का उसको हिला दीजिएगा। जब वो हिल जाएंगे हल्के हल्के, और उसको ऊपर से ढक दीजिएगा। तकरीबन ये मान के चलिए कि 15 मिनट में, जब आपको लगेगा कि उसकी भाप के अंदर वो ऊपर से टिंडे गलने लगे हैं, गलने का मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल निजलिजे हो जाएं, जब लगे कि आपको हाँ अब ये पक गए हैं, पकने की उसमें आ गए और उसमें खुशबू आ रही है, अंदर का मसाला पका हुआ है, बाहर का मसाला ही पक रहा है, देन उसके बाद आप गैस को हल्का कीजिएगा, उसके ढक्कन को उतारिएगा और उसके ऊपर अच्छी क्वालिटी का कोई भी गर्म मसाला, या आपने घर में अपना बनाया हो वो लीजिएगा और थोड़ा सा बुरक दीजिएगा। देन उसके बाद ये गैस आपने बुझा दी है, वो सब चीजें कर रखी हैं, गैस चूल्हा जो भी जिस पे था वो आपने बुझा के और उस पे काम कर रहे हैं बाप, और हल्का सा धनिया, हरा धनिया बारीक बारीक काटिए और उस पे बुरक दीजिएगा। ये आपके भरमा टिंडे तैयार हो गए हैं। अब आप प्लेट लीजिए, उसमें से निकालिए कड़छी से 3 पीस, 4 पीस, 6 पीस, और अपने दोस्त को, साथी को, मित्र को, सखा को, बंधु को, बहन को, भाई को, जिसको आपको दिल करता है कि आप अपनी बनाई हुई चीज खिलाएं, तो डेफिनेटली आप उन्हें खिलाइए। और अगर अच्छा ना लगे तो फिर कहिएगा। सचवान ये बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी रेसिपी है इसकी, भरमा टिंडे की। खाइएगा और खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और अपने अपने धर्म का पालन करते रहिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना प्यार भी बनाए रखिएगा, हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें लाइक कीजिएगा, आपकी शेयर और टिप्पणियों का इंतजार रहता है। ये चैनल बहुमुखी चैनल है, इसके ऊपर अध्यात्म है, एंटरटेनमेंट है, न्यूज है, आपकी जो बनाने की, सब्जी बनाने की विधि की रेसिपीज हम लोग बताते हैं, औषधियों के लिए आपको बताते हैं, अच्छी अच्छी औषधि अगर उससे क्या फायदे होते हैं, तो इन सारी चीज का मजा लीजिएगा और हमारे पास जुड़े रहिएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया, अपना प्यार भी बनाए रखिएगा, हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।